हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि पौधों के अंदर जो आपका जैव नियंत्रण होता है, स्पेशली तौर से जो पीरक होते हैं, उन पीरकों को नुकसान जितना हमें मिलती है, उन पीरकों से बचने के लिए हमें किस रूप में सूक्ष्म जीव कार्य करते हैं, अर्थात कि सूक्ष्म जीव का क्या कार्य होता है, किस पर्पज के लिए, तो पीरकों से बचने के लिए, अर्थात क्या पीरकों के नियंत्रण के लिए आप क्या करते हैं, और सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल आप किस रूप में कर सकते हैं। तो जरा बात करते हैं पीरक की। तो पीरक ये उत्पन्न कैसे होते हैं, तो पीरक के उत्पन्न की बात कीजिएगा, जिस तरह से हमारा अवांछित पौधा उगता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा पीरक भी हमारे खेतों में पहुंच जाता है। अवांछित मतलब वैसे पौधे जिनका किसी भी रूप में हमारे खेत में किसी भी रूप में कोई उपयोग नहीं होता है। उस कंडीशन में जब अवांछित यानी कि बिना चाहे हुए, जब अचानक से खुद से जब नए पौधे उग जाते हैं, तो उसे हम लोग खरपतवार या अवांछित पौधे कहते हैं। जैसे मान लीजिए, आप मान लीजिए कि गेहूं का फसल लगा रहे हैं, गेहूं का फसल लगा रहे हैं, और इस गेहूं के फसल के अंदर अगर बाहर से कोई खरपतवार इसमें उगता है, घास उग गया, या फिर अलग से अन्य जो आपके चौड़े चौड़े पत्ते वाले अन्य पौधे जो उग जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवांछित पौधा या खरपतवार। ठीक उसी प्रकार से जब आप क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ जब दवा के या खाद का इस्तेमाल करते हैं, या अन्य रूप में इसमें आपका गेहूं के आपके फसलों पे अन्य जो आपके छोटे छोटे जीव इस पे आके रहने लगते हैं, तो उन जीवों को हम कहते हैं पीरक। क्या कहते हैं, पीरक। पीरक का मतलब छोटे छोटे कीट पतंगे, छोटे छोटे कीट पतंग, इन सभी को हम क्या कहते हैं, पीरक कहते हैं। अब ये पीरक करता क्या है और पीरक आता कैसे है, तो देखिए पीरक जनरली परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब क्या, दूसरे पर रह के अपना भोजन और आश्रय दोनों प्राप्त करेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पीरक। तो यह पीरक जब हमारे खेतों में आ जाएगा, मान लीजिए गेहूं के खेत में आ गया, तो गेहूं के फसल पर यह बैठेगा और उसको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि यह जो पीरक है कीट है, अपना भोजन प्राप्त करेगा, तो भोजन प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, जो हमारा गेहूं है, गेहूं का जो पत्ता है, इसको ये खत्म कर लेगा, खाएगा। अभी पत्ता खत्म करने के चक्कर में क्या होगा, इसके साथ बहुत सारे आपके सूक्ष्म जीव आपके पौधों पर पड़ेंगे और पौधों को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इस केस में आपके लिए पीरक जो होता है सामान्य रूप से खतरनाक होता है, आपके खेतों के लिए या फिर आपके उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। कौन, पीरक। अब पीरक ज्यादा नुकसानदेह है तो कंफर्म है कि हमें पीरक से बचाना भी आना चाहिए, ठीक है, यानी पीरक से हमें बचना भी पड़ेगा। अब पीरक से जहां तक बचने की बात है, तो पीरक तो छोटे छोटे जीव है, अब इसे मार के तो भगा नहीं सकते हैं, आग तो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आग लगाते हैं तो आपके पौधे भी उससे प्रभावित होंगे। तो बात यह आती है कि इन पौधों को आप भगा कैसे सकते हैं, अर्थात इन पौधों से पीरकों को आप कैसे भगा सकते हैं। तो पीरक को अगर अलग करने की बात आती है, तो पीरक का अलग करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि हम दवा का छिड़काव करें। किसका छिड़काव करें, दवा का छिड़काव करें। मान लीजिए, समझिए जरा एक बार, कि मान लीजिए कि हमारा ये गेहूं का खेत है, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका गेहूं का खेत है, ठीक है। अब इस गेहूं के खेत में हमने क्या कर लिया, फसल लगा लिया, हमारे फसलें हैं, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, फसल हो गए। अब देखिए, अब ये फसल जो है, अब इनके अंदर क्या हो गया कि छोटे छोटे कीट आ गए इसमें, मतलब कि पीरक आ गया। मान लीजिए कि ये पीरक है, ये पीरक हो गया, जहां तक दिख रहा है आपको, ये पीरक दिख रहा है, मतलब कीट दिख रहा है। अब इतना ज्यादा ये सघन फैले हुए है कि हमें इसे भगा पाना मुश्किल है, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, इसमें दवा का छिड़काव करते हैं, और यह जो दवा इस्तेमाल होता है इसे हम लोग बोलते हैं पीरकनाशी। कौन दवा बोलते हैं इसे, पीरकनाशी दवा, या इंग्लिश में कहते हैं इसे वीडिसाइड।
क्या कहते हैं, वीडिसाइड्स, राइट। तो अब वीडिसाइड्स का आप इस्तेमाल कर लिए, तो वीडिसाइड्स का इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसमें अब समझिए वीडिसाइड्स क्या है। वीडिसाइड तो जड़ है, क्योंकि जब ये जीवों को मार रहा है तो कंफर्म है इनके अंदर क्या होंगे, जहर होंगे। अब यह जहर जब इन पीरकों को नुकसान पहुंचाएगा, यह जो पीरक है इनको नुकसान पहुंचाएगा, अर्थात कि इसको मार देगा, क्या कर देगा जी, इसको मार देगा। तो जरा सोचिए कि जब ये पीरक को मार देगा तो उसके साथ उसके लगे हुए जो पौधे होंगे, जो यहां पे आपने गेहूं की खेती लगाई है, उस गेहूं के फसल पे क्या इन पीरकनाशी दवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या पीरकनाशी दवा इन गेहूं के फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जब जहर है और जहर के पास हमारा फसल है, तो कंफर्म है कि कीट को अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो कंफर्म है कि हमारे गेहूं को भी नुकसान पहुंचाएगा। अब गेहूं को नुकसान कैसे पहुंचाएगा वो देखिए। अब मान लीजिए कि ये जहर है, अब जहर जो आपका कीट को मारा बाकी चला जाके आपका जमीन पे गिर गया, ये सभी तो नीचे ऊपर तो लटके नहीं रहेंगे हवा में, ये सभी के सभी जमीन पे चले गए। बारिश हुआ ऊपर से, बारिश होने के बाद ये जमीन पर जो आपका पड़े हुए आपके क्या है, पड़े हुए जो पीरकनाशी दवा है वह उसके साथ घुलेंगे, और घुलने के बाद अवशोषित होकर जमीन के अंदर नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा पीरकनाशी अब नीचे पहुंच चुका है। अब पीरकनाशी नीचे पहुंचा तो हमारी जड़ें क्या होती है, जो यह पौधों की जो जड़ें होती है वह नीचे से क्या लेती है, खनिज लवण और जल को अवशोषित करती है। अब खनिज लवण और को अवशोषित करेगी तो अवशोषण के समय क्या होगा, अवशोषण के समय हमारे जो क्या होंगे, पीरकनाशी जहर होगा, पीरकनाशी जो जहर होगा यह जहर ही क्या करेगा, इसको मारेगा। पीरकनाशी जहर भी इसके साथ अवशोषित होगा। अब पीरकनाशी जहर जब अवशोषित होगा तो यह पौधों के शरीर के अंदर जाके आपके फल तक यह पीरकनाशी वाला जो मटेरियल है, जो जहर है, इनके फसलों तक पहुंचेगा। अब हम आसानी से, हमें क्या पता कि हमने जो आपने पीरक का इस्तेमाल किया है पीरकों को मारने के लिए, वह पीरक इनडायरेक्टली हमारा जो फसल है, जो गेहूं का फसल है, उस गेहूं के फसल तक पहुंच गया। आप बिल्कुल खुश है कि हमारे खेतों की सुरक्षा पीरकों से हो गई, लेकिन वह पीरक नासी जो जहर था वह कहां तक पहुंच गया, गेहूं तक पहुंच गया। अब यह गेहूं क्या करेगा, अब जब इस गेहूं को हम कटाई करके जब लेकर आते हैं और गेहूं से जब हम अनाज को प्राप्त करेंगे, एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि जब फसल पक जाता है तो पौधे को अर्थात फसलों को खेतों से निकालने की विधि को क्या कहते हैं। जब फसल पक जाए तो उस पौधे को, सॉरी, आपका फसल को खेतों से अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कटाई। क्या कहते हैं इसे, कटाई कहते हैं। अब कटाई करने के बाद लेकर गए, कटाई के बाद अब हमारे पास फसल बचा हुआ है, तब फसल से हमें अनाज को अलग करना है। ठीक है, तो कहता है फसल से अनाज को अलग करने की विधि, फसल से अनाज इन दोनों को अलग कीजिएगा, तो यह विधि क्या कहलाती है हमारी, यह विधि कहलाती है थ्रेसिंग। क्या कहलाती है, थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग में जो हमें प्राप्त हुआ तो उनके अंदर जो हमें फसल प्राप्त होगा, उसके अंदर जो हमें अनाज प्राप्त होगा, तो अनाज के अंदर क्या मिलेगा, हमें भूसा मिलेगा। अनाज के अंदर क्या मिला हुआ होगा, भूसा। अब अनाज और भूसा इन दोनों को हमें अलग करना है, तो वहां पे कौन सी विधि इस्तेमाल होगी, तो उसे हम लोग कहते हैं ओसाई। क्या कहते हैं, ओसाई। अब इस विधि के द्वारा कटाई हुआ, थ्रेसिंग हुआ और ओसाई हुआ, इसके बाद हमें क्या शुद्ध रूप में प्राप्त हुआ, शुद्ध रूप में हमें अनाज प्राप्त हो गया। अब इस अनाज का उपयोग हम लोग अलग अलग रूप में, खाने के रूप में कर सकते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, जो यहां पे अनाज प्राप्त हुआ है जिसे हम लोग खाने के रूप में इस्तेमाल करेंगे, यह अनाज के अंदर क्या है आपका, यह जहर पड़ा हुआ है, पीरकनाशी इसके अंदर है। अब बताइए कि यह जो जहर होगा वह आपके शरीर में जाकर अलग अलग तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा,
ये जो जहर इतना लेवल से बढ़ के आपके एक पीरकनाशी के उपयोग से जो ये जहर आपके खाने के प्लेट तक पहुंचा है, बताइए वो नुकसानदेह है कि नहीं, आपके लिए हानिप्रद है कि नहीं। तो यह हानिप्रद है और बहुत ज्यादा हानिकारक है। हानिप्रद आपका सिंपल रूप में नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा हानिकारक है, और जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो अलग अलग रोगों से आप ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है। और जब अलग अलग रोगों से जब आप ग्रसित होंगे तो आपको विभिन्न तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ पे दोनों चीज प्रॉब्लम वाली बात है। यहां से अगर पीरक को नहीं हटाते हैं तो हमारा खेत बर्बाद हो जाएगा, अगर पीरक को हटाते हैं तो हम इनडायरेक्टली जहर हम खुद भी खाएंगे। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, सोचिए जरा सा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा कि अगर पीरक को ना मारे तो खेत बर्बाद, अगर पीरक को मार दे तो हम खुद जहर खाने लगे। तो इस कंडीशन में दोनों प्रॉब्लम यस है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारा जो बीच का रास्ता प्राप्त होता है वो कौन देता है, तो वो रास्ता हमें देता है सूक्ष्म जीव। वो रास्ता कौन देगा, सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव क्या करेगा कि सूक्ष्म जीव जो होंगे जो आपके पीरक होंगे उनको नुकसान पहुंचाएगा, आपके खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब ये पीरक या जो आपका सूक्ष्म जीव होगा जब पीरक को मारेगा तो इनके वजह से आपके फसल पे कोई हानि नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये सूक्ष्म जीव जब आपका पीरक को मारेगा तो इनकी वजह से आपकी फसल भी नुकसान होगी, तो बिल्कुल भी नहीं, इनसे फसल आपका कम से कम नुकसान होगा। तो यह जो बीडी होती है इसमें सूक्ष्म जीव कार्य करते हैं, ठीक है। देखिए तो ये क्या करते हैं, अलग अलग रूप में इस्तेमाल किया जाता है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, यह पीरकों को मारकर और आपकी उत्पादकता बढ़ाएंगे। उत्पादकता कैसे बढ़ेगा, जब पौधा स्वस्थ रहेगा पीरक की वजह से नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो बताइए जो उत्पादन आपको पीरकों की वजह से कम होती थी, अब इन सूक्ष्म जीव की वजह से यह जो उत्पादन होगा वह ज्यादा हो जाएगा। मतलब क्या, सूक्ष्म जीव आपके लिए क्या फायदा करेगा, यहाँ पे काम क्या करेगा, ध्यान से समझिएगा। यह सूक्ष्म जीव आपको दो कामें करेगा यहां पर। एक तो पहला नंबर कि पीरकों को मारेगा, पीरकों को नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा नंबर क्या करेगा, आपके फसलों की सुरक्षा करेगा, फसलों की सुरक्षा करेगा। तीसरा क्या करेगा, तीसरा करेगा कि आपका फसल का उत्पादन बढ़ाएगा, फसल का उत्पादन बढ़ाएगा। ये सभी आपके महत्वपूर्ण काम किसके होंगे, सूक्ष्म जीवों के होंगे, और ये आपके लिए फायदेमंद होगा। इनमें किसी भी तरह की कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी कि यह अगर हमारे थाली में अगर भोजन के रूप में आए, अगर लेते हैं तो हमें किसी भी रूप में ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, ऐसी कोई भी घटना यहाँ पर हमें नहीं मिलेगी। क्लियर है आप लोगों को। तो ये आपके क्या हो गए, पीरक हो गए, अर्थात पीरकों में सूक्ष्म जीव का आपका उपयोग। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों का सिर्फ पीरकों के लिए नहीं, हम गांव घरों में अन्य चीजों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे घरों में मच्छर ज्यादा लगते हैं, मच्छर जब ज्यादा लगते हैं तो इन मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए भृंग, क्योंकि भृंग के अंदर पाया जाता है सूक्ष्म जीव, उनसे हम इन मच्छरों को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अलग अलग रूप में यह जो आपका सूक्ष्म जीव है अलग अलग तरह से आपको फायदे पहुंचाता है। क्लियर है। अब देखिए कि सूक्ष्म जीव और क्या क्या फायदा आपको दे सकता है। अब देखिए ये क्या करते हैं कि पौधे के लिए और अलग अलग तरीके से आपको फायदे पहुंचाते हैं। जरा समझिए कि क्या क्या फायदा पहुंचाएंगे, और क्योंकि इनसे बनेगा आपका जैविक जो उर्वरक तैयार होता है वह इन सूक्ष्म जीवों की वजह से ही तैयार होता है। और यह क्या करेगा कि पौधे के अंदर जो आपका खेतों के अंदर जो उत्पादन क्षमता है, इस उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि करेगा। जो पौधे के आपका उत्पादन क्षमता है, जो खेत के अंदर उर्वर शक्ति है, इनकी उर्वरता को भी बढ़ाने में मदद करेगा। देखिए यह सूक्ष्म जीव के अभी फायदे देख रहे हैं कि हमें क्या करने में क्या क्या मदद कर सकता है। देखिए तो पहला नंबर तीन देख लिए थे हम लोग, चौथा नंबर ये क्या करेगा कि यह आपकी जैव प्रतिरोधकता बढ़ाएगा, जैव प्रतिरोधकता बढ़ाएगा, मतलब जीवों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा। कौन बढ़ाएगा, तो जैसे जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, ये सभी क्या करेंगे, आपके अंदर
यह जैव प्रतिरोधकता बढ़ाएगी कि बाहर से अगर किसी भी रूप में कोई पीरक या कोई कीट या पतंग किसी भी रूप में आपको नुकसान पहुंचाएगा आपके खेतों को, तो ये वहां पर काम करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ये प्रतिरोधकता बढ़ाने के अलावा क्या करेगा, जैविक खाद बनाने में मदद करेगा, जैविक खाद्य पदार्थ बनाने में मदद करेगा, खाद्य बनाने में मदद करता है। और क्या करेगा भाई, जैविक खाद बनाने में मदद करेगा। और आपको क्या कर सकता है, तो और ये कर सकता है कि जो ये सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव आपके जो आपका उर्वर शक्ति है, उन उर्वर शक्ति को बढ़ाएगा, अर्थात क्या, खेतों की उर्वरता को बढ़ाएगी, खेतों के उर्वरता में वृद्धि करेगा, उर्वरता उर्वरता में वृद्धि करता है। तो ये क्या हो गया, सभी फायदे हैं, ठीक है। तो ये मदद करेगा, इनकी क्या करेगा, उर्वर शक्ति बढ़ा देगा। उसके अलावा क्या करेगा, इसके अंदर अगर विशेष सूक्ष्म जीवों को आप प्राप्त करेंगे तो यह सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, यह अलग अलग रूप में अलग अलग जो अन्य रोग पैदा करने वाले छोटे छोटे जो जीव है उनसे हमारी सूक्ष्म आपका क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। इनडायरेक्टली कहे तो प्रतिरोधकता क्षमता ही मेन आपका बढ़ाने का काम करेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आशा आपको क्लियर हो गया होगा कि सूक्ष्म जीव आपको लिए अलग अलग किस रूप में इस्तेमाल करता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो इनके अंदर अलग अलग पोषक तत्वों को भी इकट्ठा करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था राइजोबियम को। तो राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का काम करता है। मेन ये काम करता है, अमोनिया आता है अमोनिया के रूप में, और अमोनिया से क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन बनाने का आपका कंप्लीट प्रोसेस जो चलेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका नाइट्रेट के रूप में पौधे इसे अपने अंदर सुरक्षित रखते हैं, और यह फिर नाइट्रेट क्या होगा, आगे टूटेगा, एमिनो अम्ल में बदलेगा, और यह एमिनो अम्ल जब बनेगा तो यह अमीनो अम्ल बनने के बाद प्रोटीन बनाएगा, और इस प्रोटीन का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो सीधे शब्दों में क्या है कि पौधे पेड़ पौधे जीव जंतु सभी के लिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो आशा है फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा आप लोग को सूक्ष्म जीव और उसके फायदे। चैप्टर आपका आज यहाँ पे खत्म होता है, अगले क्लास में हम लोग जानेंगे जैव टेक्नोलॉजी के बारे में, अर्थात क्या कि जैव तकनीक में क्या क्या हमें पढ़ना है, और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि जो आपका जो नए अभियांत्रिकी जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जीवो आपका किस तरह से डीएनए को काटा जा सकता है, किस तरह से डीएनए में नए गुण डाले जा सकते हैं, ये सारी प्रक्रिया हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।